नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। सेवड़ा एसडीएम ने बस स्टैंड सेवड़ा में अनुराग निंगवाल के नेतृत्व में कोरोना से बचाव के लिए रोको टोको अभियान चलाया, जिसके तहत बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे गए और मास्क लगाने की समझाइश भी दी गई। साथ में तहसीलदार साहिर खान, थाना प्रभारी सेवड़ा नीरज, नायब तहसीलदार नरेंद्र यादव, श्रीमती कल्पना कुशवाहा, सीएमओ सेवड़ा एवं पुलिस राजस्व तथा नगर परिषद का अमला भी उपस्थित रहा। दतिया से जिला ब्यूरो चीफ संजीव रिछाड़े की रिपोर्ट। याद करो, मार्च की लॉकडाउन चालू हो गया था पूरे भारत वर्ष में। एक हफ्ता शेष है, कोरोना की महामारी एक बार फिर से हम सब लोगों के बीच में वैसी आके खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र और प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन तब चालू हो चुका है। दतिया जिले में भी बीमारी ने फिर से पैर पसार लिया है। पिछले एक हफ्ते से जिला अस्पताल में कोविड के टेस्टों में सतत हम लोगों के 3 से 5 मरीज आ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पिछले एक साल सभी का कैसा गया, मुसीबतों में गुजरा हम सभी लोग जानते हैं। कृपया आप अपने बच्चों, अपने माता पिता, बुजुर्गों की सेहत को ध्यान रखते हुए मास्क का प्रयोग एक बार फिर से पूरी शिद्दत से चालू कर दें। पिछले एक हफ्ता से सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।